स्वागत है आपका मार्क एकेडमी पर। बच्चों, आज हम अपनी इस क्लास में मैथ्स क्लास 7th चैप्टर 3 डेटा हैंडलिंग के सभी कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइजेस वन शॉट में डिस्कस करेंगे। आपकी ये क्लास या फिर ये क्लास रिकॉर्डिंग एनसीईआरटी की नई टेक्स्ट बुक जो कि रिड्यूस्ड सिलेबस पर प्रिंटेड है पर बेस्ड ये पूरी क्लास है। क्लास रिकॉर्डिंग में क्या क्या है वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टाइमलाइन का इस्तेमाल करके देख सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे डेटा की हम बात करें, चैप्टर का नाम ही है डेटा हैंडलिंग। अगर हम चैप्टर के नाम की बात करें, डेटा, डेटा मतलब आंकड़े, डाटा नहीं, किसी ने किसी को डाटा नहीं है, इसको डाटा मत पढ़ना कि डांट दिया, चलो डाटा पढ़ेंगे, डाटा हैंडलिंग पढ़ेंगे, डेटा हैंडलिंग करेंगे, ठीक है। तो डेटा का मतलब आंकड़े, यानी कि जैसे कि आप क्लास, जैसे मैं आप सबके टेस्ट के रिकॉर्ड्स अपनी डायरी में मेंटेन करता हूँ, वो भी एक डेटा है। उस टेस्ट रिकॉर्ड के बेसिस पर हम देखते हैं कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन खराब परफॉर्म कर रहा है। तो जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसका कोई ना कोई पर्पज होता है। तो डेटा किसे कहते हैं? कलेक्शन रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हेल्प अस ऑर्गेनाइज और एक्सपीरियंस एंड ड्रॉ इन्फेरेंस फ्रॉम देम। मतलब जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, मेंटेन करते हैं, तो उसका पर्पज होता है उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करके उससे कोई मीनिंग निकालने का। हम आपके क्लास के मार्क्स, जो क्लास टेस्ट होते हैं रेगुलर, उसको एक डायरी में मेंटेन करते हैं, आप सब जानते हो। क्यों मेंटेन करते हैं? क्योंकि उससे एक हमें एक मीनिंग निकालनी होती है, कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन इम्प्रूवमेंट कर रहा है, इसकी परफॉर्मेंस खराब हो रही है, तो वो उसको इसके हिसाब से फिर उसको एडवाइस किया जाता है, भाई आपकी परफॉर्मेंस खराब हो रही है, आप इसमें इम्प्रूवमेंट करो। वो खुद भी समझता रहता है रिकॉर्ड को देखकर। तो डेटा जब हम कलेक्ट करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं पर्पज होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है, ठीक है, उसी को हम डेटा कहते हैं। आपके घर में हो सकता है आपके पेरेंट्स बिजली का बिल जो होता है ना महीने का, वो एक डायरी में लिखते हों, या राशन का बिल एक डायरी में लिखते हों, तो वो सब डेटा है। उससे वो उनको ये पता लगता है कि इस महीने कितना खर्चा हुआ, कितना सेविंग हुआ, क्या अर्निंग हुई, क्या सेविंग हुई, क्या खर्चा हुआ, तो वो मेंटेन करने के लिए भी डायरी बनाई जाती है, उसमें डेटा को इस तरह से लिखा जाता है हर महीने, ठीक है। बिफोर कलेक्टिंग डेटा वी नीड टू नो व्हाट वी वुड यूज इट फॉर। तो वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं तो कलेक्ट करने से पहले ही हमारे दिमाग में पर्पज जरूर होता है कि हम वो डेटा क्यों कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे देश में पॉपुलेशन काउंट होता है हर 10 साल में, तो पॉपुलेशन यानी कि सेंसस होता है, तो उसका पर्पज क्या होता है? गवर्नमेंट को पता चलता है कि देश में कितनी आबादी है, कितनी पॉपुलेशन है, उसमें सीनियर सिटीजन कितने हैं, उसमें यंग कितने हैं, उसमें कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, कितने, मतलब बहुत सारा डेटा होता है सेंसस के अंदर, बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट की जाती है। तो यानी कोई ना कोई पर्पज होता है डेटा को कलेक्ट करने का। बिफोर कलेक्टिंग डेटा वी नीड टू नो वॉट वी वुड यूज फॉर इट। जैसे मैं आपके टेस्ट के रिकॉर्ड्स मेंटेन करता हूँ तो मुझे पता है मैं क्यों मेंटेन करता हूँ, ताकि हमें पता चलता रहे कौन बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अब इस चैप्टर में हमें 3 बातें डिस्कस करनी है, मीन, मीडियन, मोड। इसे हम सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं। मीन, मीडियन, मोड को हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, यानी पूरे डेटा से कोई मीनिंग निकल के आ रही हो। सेंट्रल मतलब केंद्र, मतलब सेंटर पर, यानी कोई डेटा है, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूं, एक क्लास में एक टेस्ट हुआ 10 मार्क्स का, उसमें बच्चों के नंबर आए, मान लो 2 बच्चों के 1-1 नंबर आए, फिर 2 बच्चों के 2-2 नंबर आए, फिर 5, फिर 6, 2 बच्चों के फिर 10, 2 बच्चे 10 भी लाए, ठीक है। तो यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 बच्चों का रिकॉर्ड है। अब हम इसमें इसका एवरेज निकाल सकते हैं कि क्लास का एवरेज क्या है, तो एक सेंट्रल टेंडेंसी है। एवरेज मतलब मीन होता है, तो मीन भी एक सेंट्रल टेंडेंसी है। हम इसमें मीडियन निकाल सकते हैं, तो ये मीन, मीडियन, मोड क्या होता है वो भी हम इसी चैप्टर में जानेंगे। इन्हें हम सेंट्रल टेंडेंसीज कहते हैं, यानी डेटा को देखकर कोई मीनिंग निकालना, उसको कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। अब मीनिंग मीन से भी आती है, मीडियन से भी आती है, और मोड से भी आती है।
तो इस चैप्टर में आपको मीन मीडियन मोड भी समझना है, क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं। इसके अलावा अर्थमेटिक मीन क्या होता है, मैं वो आपको समझा दूँ, मतलब उसी सेंट्रल टेंडेंसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ एक एक करके कॉन्सेप्ट में, फिर एक्सरसाइज में अलग से देखेंगे। मान लीजिए अभी पिछले वाले रिकॉर्ड को ही देखें हम, या छोड़िए, फिर से एक बार 10 नंबर का टेस्ट हुआ, 10 बच्चे टेस्ट में थे, अब कुछ इस तरह के नंबर आए बच्चों के, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ये 10 बच्चों के मार्क्स हैं। अब हमें अगर इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है, एवरेज निकालना है, अर्थमेटिक मीन का दूसरा मतलब एवरेज भी होता है, तो एवरेज निकालने के लिए सभी नंबर को प्लस करके 10 से डिवाइड कर दो, इसी को अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं, इसी को एवरेज भी कहते हैं। तो मीन या फिर एवरेज, मीन निकलेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 अपॉन में 10, ये है। सबको प्लस करके 10, क्योंकि 10 है डेटा तो 10 से डिवाइड करना है, अगर 12 होंगे 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसे कहते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऊपर जो है इज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसे कहते हैं मीन। मीन मीन कैसे निकलता है, ये इसे ऑब्जर्वेशन कहेंगे, जो देख रहे हो ऑब्जर्व कर रहे हो आंकड़ों को, उसी को तो ऑब्जर्वेशन कहेंगे। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो पूरी ऑब्जर्वेशन को आप डिवाइड कर लें, तो ये मीन निकालने का बच्चों तरीका है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब सम कर लेते हैं, 9, 8, 17, 17 और 7, 24, 9, 8, 17 और 17 और 7, 24 और 6, 30, 36, 41, 45 और ये 6, यानी 45 और 6, 51, टोटल सम आ रहा है इसका 51, और 10 से डिवाइड करोगे तो 5.1, यानी इस क्लास में बच्चों का एवरेज मार्क्स है 5.1। मीन इस क्लास के 10 बच्चों का जो एक टेस्ट हुआ है 10 मार्क्स का, उसमें एवरेज मार्क्स है 5.1। इसका मतलब है कि ज्यादातर बच्चों के 5 मार्क्स के आसपास आए हैं, इसका मतलब ये है, जो सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, कि आपके क्लास के 10 बच्चों के जो मार्क्स आए हैं, 10 में से ज्यादातर बच्चों के 5 के आसपास नंबर है, इसे मीन कहते हैं, एवरेज भी कहते हैं, अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं, या नॉर्मली मीन कह देते हैं। तो मीन कैसे निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को के सम को डिवाइड करोगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। नेक्स्ट रेंज, रेंज क्या होता है, जो भी डेटा हो उसकी जो सबसे बड़ी वैल्यू हो और सबसे छोटी वैल्यू हो उसका डिफरेंस, उसको रेंज कहते हैं। तो अगर हम पिछले क्वेश्चन को एग्जांपल मिले, तो सबसे बड़ा डेटा 9 था और सबसे छोटा 1 था, तो रेंज इस डेटा का जो रेंज आएगा 9 - 1 = 8, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू को रेंज कहते हैं। मोड, मोड क्या होता है, मोड होता है बच्चों जो डेटा सबसे ज्यादा बार आ रहा हो उसे मोड कहते हैं। पिछले क्वेश्चन में ट्राई करते हैं मोड क्या है, इसमें ज्यादा बार कौन आ रहा है, 6 है, 6 ही ज्यादा बार है, 2 बार है भाई, 1 भी एक बार है, 2 भी एक बार है, 3 भी एक बार है, 4 भी एक बार है, 5 भी एक बार है, 7 8 9 भी एक एक बार है, सिर्फ 6 ज्यादा बार है, 2 बार है, तो इस डेटा का जो मोड है वो 6 है, ठीक है। तो मोड इसका मतलब जो डेटा आपके पास है उसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी किस डेटा की है उसे मोड कहते हैं, जो डेटा ज्यादा बार आया हो बाकियों से। मान लो दो डेटा अगर इसमें इक्वल टाइम्स आएंगे दोनों को मोड कहा जाएगा, फिर जैसे 6 दो बार है, हो सकता है 7 भी 2 बार होता, तो मोड 6 और 7 दोनों होते हैं। तो एग्जांपल में जैसे यहां पर एक और ले लेते हैं,
एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, इसका मोड क्या होगा बच्चों? फाइव, क्योंकि फाइव तीन बार आ रहा है तो मोड फाइव होगा। अगर आपको इसका मीन निकालना होगा तो सबको प्लस करके और टेन से डिवाइड करना होगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, सबको प्लस कर देते हैं। सेवनटीन और टेन ट्वेंटी सेवन, और फाइव थर्टी टू, और फोर थर्टी सिक्स, थर्टी नाइन फोर्टी टू, और थ्री फोर्टी फाइव। फोर्टी फाइव इज डिवाइडेड बाई टेन यानी 4.5। इसका जो मीन आ रहा है या अर्थमेटिक मीन या एवरेज वो 4.5 आ रहा है। ये क्लास मान लो ये दूसरी क्लास थी, इसके नंबर और इस क्लास के नंबर और ख़राब है क्योंकि पहले वाले क्लास में तो 5.1 एवरेज आ रहा था, यानी वो क्लास इस क्लास से बेहतर है। और अगर यहाँ पे अभी दो तीन बच्चों के नंबर 10-10 आ जाएं तो एवरेज और ज़्यादा आ जाएगा। तो फिर अगर किसी को बताया जाए कि मेरी क्लास का जो एवरेज रहता है लगभग 7 रहता है 10 में से। अभी किसी क्लास में जो बच्चे हैं वो टेस्ट देते हैं और उनके टेस्ट के मार्क्स का एवरेज निकालते हैं तो 7 आता है, ठीक है। एक दूसरी क्लास है उनका एवरेज मार्क्स जो आ रहा है वो मान लो 7 से कम आ रहा है, तो वो थोड़ा कम अच्छी क्लास है पढ़ाई में। और जिस क्लास का एवरेज ज़्यादा आएगा इसका मतलब उस क्लास में ज़्यादातर बच्चे ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, ठीक है। तो इससे सेंट्रल टेंडेंसी का मालूम चल रहा है, यानी क्लास की काबिलियत का मालूम चल रहा है, क्लास के बच्चों की मेहनत का अंदाज़ा लग रहा है कि कितना ज़्यादा मेहनती है। अब कोई क्लास है उसमें पूरी क्लास के बच्चों का एवरेज मार्क्स मान लो 4 आ रहा है तो वो लापरवाह क्लास हो सकती है। तो कहीं ना कहीं एवरेज से या मीन से हमें एक सेंट्रल आइडिया मिल रहा है, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब सेंट्रल आइडिया भी कह सकते हो उस क्लास के बारे में, ठीक है। तो मीन हो गया, मोड हो गया, अब तीसरी बात आती है मीडियन की। मीडियन क्या होता है? जैसे आपके पास कोई डेटा है वही क्लास के नंबर का ही मान लेते हैं, किसी बच्चे के एक नंबर, फिर दो नंबर, दो नंबर, छः नंबर, पाँच नंबर, छः नंबर, सात नंबर, आठ नंबर, नौ नंबर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, और एक बच्चा और एक दस नंबर वाला दिया, ठीक है। ये एक क्लास में दस बच्चों के दस में से जो मार्क्स आए हैं वो लिख दिए। अब हमें इसका अगर मीडियन मालूम करना हो तो मीडियन कैसे मालूम करेंगे? पहले इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, कोई एक ऑर्डर में लिखना पड़ेगा आपको, असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो असेंडिंग में लिखो तो वन टू टू, फिर फाइव, फिर सिक्स दो बार, फिर सेवन एट नाइन टेन, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद में जो नंबर लेफ्ट से भी गिनो और राइट से भी गिनो बीच में आए वो मीडियन होता है। लेफ्ट से भी गिनो राइट से भी गिनो जो बीच में आए वो मीडियन होता है। तो इधर से गिने, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, अरे यार दो आ रहे हैं यहाँ तो, दो मीडियन आ रहे हैं, तो नहीं ये मीडियन नहीं होगा, मीडियन इसका एवरेज होगा। अगर कभी कभी दो नंबर आ जाए ना तो दोनों नंबर को प्लस करके टू से डिवाइड कर दो, बारह को टू से डिवाइड करोगे तो छः ही आएगा, तो यहाँ पर मीडियन छः है। अब अगर इसमें दस बच्चों की जगह नौ बच्चे होते, मान लीजिए मैं यहाँ से एक हटा देता हूँ, अब मीडियन चेक करते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, सेम नंबर आ रहा है, तो अब मीडियन सिक्स ही है, यहाँ प्लस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही मीडियन है। तो मीडियन क्या होता है? जो बिल्कुल बीच में आ रहा हो, लेफ्ट से गिनो या राइट से गिनो वो बीच में आ रहा हो तो वो मीडियन होता है। लेकिन मीडियन निकालने से पहले डेटा को आपने असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही मीडियन निकलेगा, ठीक है। तो मीडियन समझ गए ना आप कैसे निकालना है? जो भी आपको डेटा दिया होगा उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर देना, फिर बीच वाला नंबर ढूंढ लेना लेफ्ट से भी और राइट से भी गिन के। और अगर बीच में दो नंबर आ रहे हो तो दोनों को प्लस करके टू से डिवाइड कर देना, यानी उनका एवरेज निकाल लेना, वो मीडियन हो जाएगा। जब भी डेटा आपका ऑड नंबर में आएगा तो बीच में एक ही नंबर आएगा, जैसे नौ नंबर था, यहाँ ऑब्जर्वेशन कितनी थी? नौ, तो बीच में एक ही आएगा। लेकिन अगर 10 होंगे यानी इवन नंबर में डेटा होगा 10, 12 या 14, 16, तो उसमें दो ही आएंगे हर बार बीच में,
एक लेफ्ट से आएगा एक राइट से आएगा, तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो मीडियन आएगा। और अगर आपका डेटा 9 है यानी ऑड नंबर में है, 5 है, 9 है, 11 है, 13 है, तो बीच में एक ही नंबर आएगा, वही मीडियन होगा, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद। अब इसके अलावा इस चैप्टर में क्या है, बार ग्राफ। बार ग्राफ भी दो तरह का, एक सिंगल वाला और एक डबल बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है? अब बार ग्राफ रिप्रेजेंट नंबर यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। यूनिफॉर्म विड्थ का जैसे बार बनाते हैं ना, मैं आपको जब क्वेश्चन आएगा तो प्रोपोर्शन में आएगा, जैसे ये है, ये आपका यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, जैसे मैच वैच का कभी आप देखते हो, मैच वैच देख रहे हो तो उसमें दिखाते हैं, पहले ओवर देखो 1 2 3 4 5 6, तो मान लीजिए कि यहां पर एक बार ऐसे बना दिया, ये इधर हम ओवर दिखा देते हैं, इधर रन्स दिखा देते हैं, तो पहले ओवर में मान लो 1 2 3 4 5 रन बने हैं, तो ऐसे बार बन गया एक। फिर दूसरे ओवर में मान लीजिए कि ये पहला ओवर था, दूसरे ओवर में 4 ही रन बने थे, अलग दिखाते हैं, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, 4 के सामने ये 4 है ना, यहाँ पे 4 के सामने ये दूसरे ओवर का रन है। तो किसी डेटा को आप एक बार के रूप में दिखा रहे हैं तो उसे बार ग्राफ कहते हैं। तो चैप्टर में ये भी आपको समझने के लिए मिलेगा। अब बार ग्राफ कई बार एक साथ दो दो होते हैं, जैसे आप किसी बच्चे के मार्क्स की बात करते हैं, फर्स्ट टर्म में इंग्लिश में उसके 60 आए, सेकंड टर्म में उसके 80 आए, तो आप यहाँ नीचे इंग्लिश लिखकर दिखाते हैं हम आपको, डबल बार ग्राफ भी अगले वाले स्लाइड में है, ये तो सिंगल बार ग्राफ है। इसमें हमें स्केल चूज करना पड़ता है, वो डिपेंड करता है डेटा पर, जो क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे आपको कि स्केल कैसे चूज करना है। मतलब ये जैसे हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यानी एक यूनिट को एक रन माना है, लेकिन अगर मान लो T20 का मैच था और 10 रन से कम तो किसी और बने ही नहीं थे, तो हो सकता है हम इसे 2-2 यूनिट ले लें, 2 4 6 8 10, यानी एक यूनिट को 2 रन मान लें, और ज़्यादा तगड़ा ओवर आ गया तो एक यूनिट को 5 रन भी मान सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है डेटा पर कि हम क्या स्केल लेंगे बार को बनाने के लिए, ठीक है, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको समझाते रहेंगे। डबल बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मान लो इंग्लिश के मार्क्स टर्म 1 में ये थे और टर्म 2 में चिपका के बनाएंगे, तो ये दोनों हो गया इंग्लिश का मार्क्स का बार ग्राफ। अब देखो यहाँ पे 1-2 नहीं दिखाएंगे, अब मार्क्स तो उसके 50 मतलब 100 0 से लेके 100 के बीच में है, तो अब 1-2 छोटी छोटी लाइनें नहीं खींचेंगे, 10-10 कर लेंगे यूनिट, 10 20 30 40, मान लो 40 है टर्म 1 में, यहाँ टर्म 1 लिख दिया, यहाँ टर्म 2 लिख दिया, और टर्म 2 में 50 60 60 आ गए, तो ये डबल बार आपको इंग्लिश का हो गया। फिर ऐसे अलग बना सकते हैं, मैथ का, साइंस का, एसएसटी का, जिसका भी बनाना हो, तो इसे डबल बार ग्राफ कहते हैं मार्क्स को दिखाने के लिए। तो ये सब कुछ आपके इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट थे, यहां पर आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है इस चैप्टर के। अब हम सीधे एक्सरसाइज पर आएंगे। पहला है फाइंड द रेंज ऑफ द हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। देखो ये क्वेश्चन तो आपकी क्लास का है, मतलब आप अपनी क्लास के 10 बच्चों की हाइट कैलकुलेट कर लो, पूछ लो उनसे आपकी हाइट कितनी कितनी है, कॉपी में लिख लो उसे, फिर उसका रेंज बताओ। तो मैंने रेंज आपको कॉन्सेप्ट में बताया है, जो सबसे ज्यादा हाइट वाला बच्चा होगा और जो सबसे कम हाइट वाला बच्चा होगा उसका डिफरेंस निकालना होगा, वो रेंज हो जाएगा, यही होगा ना रेंज में। तो ये आपके लिए, आप अपनी क्लास में अपने 10 बच्चों से बात करके डेटा बनाना और फिर उसका रेंज निकालना। किसी की हाइट 150 सेंटीमीटर होगी, किसी की 162 सेंटीमीटर है, किसी की जो भी है, तो पूरा 10 बच्चों के हाइट लिखकर फिर उसमें जो सबसे छोटी हाइट वाला बच्चा है और जो सबसे बड़ी हाइट वाला बच्चा है वो उसका डिफरेंस होगा रेंज, ठीक है। रेंज क्लियर है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू फ्रॉम द डेटा यू गेट रेंज। अब नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन ए क्लास असेसमेंट इन ए टेबुलर फॉर्म। टेबल की फॉर्म में इसको अरेंज करना है, फिर इसमें पहले टेबल की फॉर्म में कैसे अरेंज करेंगे, देखो यहां पर मार्क्स
एक कॉलम बनेगा इसमें मार्क्स का, और फिर उसमें बनेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ पे मार्क्स देख रहे हो बच्चों, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह है, सात है, आठ है, नौ है, दस तो कोई है ही नहीं, है ना, नौ तक जा रहा है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये मार्क्स हैं। अब वन मार्क्स कितने बच्चों का आए हैं? एक बच्चों का आया है, यहाँ वन लिख दिया। टू मार्क्स कितने बच्चों का आए हैं? 1, 2 दो बच्चों का, ये लिख दो। नंबर ऑफ स्टूडेंट को फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, कई बार ऐसे टैली मार्क्स में बनाते हैं, वो हम जब आएगा तो आपको समझा देंगे। फिर थ्री मार्क्स कितने बच्चों का आए हैं? 1 एक ही बच्चे का है, है ना। अब फोर मार्क्स कितने बच्चों का आया? 1, 2, 3 फाइव मार्क्स, 1, 2, 3, 4, 5 सिक्स मार्क्स, 1, 2, 3, 4 सेवन मार्क्स, 1, 2 एट मार्क्स, एक बच्चे का, नाइन मार्क्स, एक बच्चे का। ये हो गया टेबल की फॉर्म में, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखते हैं, अगला पार्ट क्या है। विच इज द हाईएस्ट, विच नंबर है हाईएस्ट? हाईएस्ट नंबर 9 है, हाईएस्ट मार्क्स 9 है, और एक बच्चे के आए हैं, तो हाईएस्ट नंबर क्या है? 9। विच इज विच नंबर लोएस्ट, सबसे कम कौन आया है? 1 सबसे कम नंबर एक है, और एक ही बच्चे का आया है। व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा, वही 9-1 सबसे हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू का डिफरेंस ही तो होता है रेंज। और फाइंड द अरिथमेटिक मीन, अब अरिथमेटिक मीन निकालना है तो सबको प्लस करके डिवाइड कर देंगे जितने बच्चे हैं। एक तो ये तरीका है सारे नंबर को प्लस करने का, एक दूसरा तरीका भी है, मैं आपको बताता हूँ। पहले देख लें बच्चे कितने हैं, बच्चे यहाँ से मालूम चल जाएगा। 1, 3, 2 ऐड कर दिया, 1, 4, 3, 7, 12, 4, 16, 20 20 बच्चे हैं। ये जो डेटा है ये 20 बच्चों का डेटा है, ठीक है। अब आपको अगर इसका मीन निकालना है तो इस ये पूरे मार्क्स को प्लस करके 20 से डिवाइड कर दो, है ना, करते हैं जो पहले बताया मैंने आपको। तो मीन निकालने के लिए प्लस कर देते हैं, 7 और 3 13 और 4 17 और 8 25 और 5 30 और 6 36 और 9 45 46 51 53 59 61 66 70 75 78 83 90 और 100 100 मार्क्स आए टोटल सम, और 20 बच्चों से डिवाइड करके 5, तो इसका मीन 5 आया। लेकिन इसको अगर हमने टेबल बना लिया तो एक और आसान तरीका था, इतना प्लस करने की जरूरत नहीं थी, इतना मुश्किल काम, बताऊं क्या था वो बता देता हूं। देखो एक नंबर एक बच्चे का आया है तो 1 × 1 एक हो गया, दो नंबर दो बच्चों के आए हैं तो 2 × 2 4 हो गया, और तीन मार्क्स भी एक बच्चे का आया है, चार मार्क्स तीन बच्चे का आए 12 हो गया, पांच मार्क्स पांच बच्चे का आए हैं तो 25, छह मार्क्स चार बच्चों के आए हैं तो 24, सेवन मार्क्स जो है दो बच्चों के आए हैं तो 7 × 14, एट मार्क्स भी एक बच्चे का आया है तो 8, नाइन मार्क्स भी एक बच्चे का आया है तो 9, इनको प्लस कर लो ये भी 100 ही आना चाहिए। 4, 1, 5, 3, 8, 10, 5, 15 और 4, 19 और 4, 23 और 8, 31 और 9, 40 का 0, 4 carryover 4, 1, 5, 4, 9, 1, 10 ये आ गया, और फिर वही टोटल सम आ गया 100 और 20 से डिवाइड करेंगे तो मीन आ जाएगा। तो मीन इज इक्वल टू 100 इज डिवाइडेड बाय 20, दैट गिव्स यू 5। तो मीन का कॉन्सेप्ट तो पक्का हो ही गया होगा आपका, टोटल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन
इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? चले आगे। फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट फाइव होल नंबर। पहले पांच होल नंबर आपको पता ही है जीरो से स्टार्ट होते हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4 ये पहले पांच होल नंबर है, इसका मीन निकालना है। तो ये कौन सा बड़ा काम है? मीन इज इक्वल टू सबको प्लस कर दो, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 / 5, 7 to 9 = 10, 10 / 5 गिव्स यू 2 आ गया। ठीक है, तो इसका मीन 2 आया। नेक्स्ट, अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। 8 इनिंग के रन है, मीन इसको निकालना है, सबको प्लस करके और 8 से डिवाइड करना है, उसका एवरेज आ जाएगा। मीन या एवरेज एक ही बात है। तो मीन स्कोर 58 + 76 + 40 + 35 + 46 + 45 + 0 + 100 और डिवाइडेड बाय कितनी इनिंग्स है? 8। 8 से डिवाइड करना है, सबको प्लस करो, ये 100 है। 46 और 45 = 91, 40 और 35 = 75 और इनको अलग लिख दो, 58 और 76, और ये आपका 6 और 8, 14 और 6 = 20 का 0, 2 कैरी ओवर, 2 और 9 = 11, 7 = 18, 18 + 5 = 23 और 7, 30 का 0, 3 कैरी ओवर, 3 = 1 = 4, 400 रन बनाए उसने। तो 400 इज डिवाइडेड बाई 8, 8 × 5 = 40, तो उसका मीन स्कोर जो है एवरेज स्कोर, यानी हर इनिंग का उसका स्कोर 50 का है। कई बार आप लोग इसे कहते हैं एवरेज उसका कितना है ना, इस प्लेयर किस जिस प्लेयर का एवरेज सबसे अच्छा होता है वो अच्छा प्लेयर माना जाता है। अब एक प्लेयर है, मान लो वो 10 इनिंग खेलता है, एक में तो 100 मार देता है या 2 में 100 मार देता है, बाकी समय वो 0, 1, 2, 10 के अंदर आउट हो जाता है, तो उसका एवरेज अपने आप खराब हो जाएगा। और एक प्लेयर है वो 10 इनिंग खेलता है पर वो हर इनिंग में लगभग 40, 45, 50, 1-2 में 100, 150 भी मार देता है या 90 मार देता है, तो उसका एवरेज ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि उसने हर मैच में 40 से ऊपर ही बनाए हैं मान लो, और 1-2 मैचों में उसने बना दिए 100, 90, 80, तो उसका एवरेज अच्छा आएगा, इसीलिए वो प्लेयर अच्छा माना जाता है। और एक प्लेयर है 50 इनिंग खेलता है, 2 में तो वो 150, 200 मार देता है, बाकी सब इनिंग में जल्दी जल्दी आउट होता है, तो उसका एवरेज खराब हो जाता है, तो वो एक अच्छा प्लेयर कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं माना जाता, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, चल जाए तो बहुत बढ़िया, ना चले तो 0 पे। तो एवरेज से भी पता चल जाता है प्लेयर कैसा खेलता है। तो ये जो प्लेयर है इसका एवरेज लग रहा है 50 का, यानी ठीक ठाक प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है, 50 की एवरेज बहुत अच्छे प्लेयर्स की होती है। पता करके मुझे बताना कमेंट बॉक्स में विराट कोहली की एवरेज क्या है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। ये जो टेबल है इसमें 3 प्लेयर हैं, 4 उनके गेम है, उसमें उनका पॉइंट जो उन्होंने कलेक्ट किए हैं वो बता रहे हैं। जैसे प्लेयर ए ने पहले गेम में 14 पॉइंट कलेक्ट किए हैं, दूसरे गेम में 16, तीसरे में 10 और चौथे गेम में उसने 10 पॉइंट कलेक्ट किए हैं। प्लेयर बी ने पहले गेम में 0 पॉइंट, दूसरे गेम में 8, तीसरे गेम में 6 और चौथे गेम में 8। प्लेयर सी ने पहले गेम में 8, दूसरे गेम में 11, तीसरा गेम वो प्ले ही नहीं किया उसने और चौथे गेम में 13 पॉइंट कलेक्ट किए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन क्यों नहीं है यहाँ पर, ये क्वेश्चन यहाँ पर है, फाइंड द मीन टू डिटरमिन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर्ड पर गेम। यानी मीन निकाल के हम ए ने पर गेम, मतलब ए का एवरेज क्या है वो हमें देखना है, एवरेज यानी मीन। तो ए का जो मीन आएगा फॉर ए, मीन जो आएगा 14 + 16 + 10 + 10 और डिवाइडेड बाय 4 गेम खेले हैं तो 4 से, तो ये 14 और 16 = 30 और 20 = 50 को डिवाइड करेंगे 4 से, 12.5, यानी ए का जो एवरेज है पॉइंट कलेक्ट कर 12.5 है। अब अगर ऐसे बी का निकालना चाहें फॉर बी,
जो मीन आएगा बी के लिए, जी नहीं, 14 और 16 30 और 30 और 20 50, 14 16 30 होता है बाबूजी। अब क्या करो, क्या करके मानोगे? अच्छा अब बी का एवरेज, तो लगता है तुम्हारी ए प्लेयर से कोई दुश्मनी है, तुम उसके एवरेज खराब करने के चक्कर में हो, समझ गया, तुम्हारा वो कंपटीटर होगा। अब बी का देखो 0, 8, 6 और 8 है, चार गेम खेले हैं तो चार से डिवाइड करोगे, तो ये 8 और 8 16 और 16 और 6 22 को 4 से डिवाइड करो, 4 5 जो 22 बचा, 4 5 5.5 आ रहा है इसका एवरेज। सी का एवरेज जो आएगा फॉर सी, तो एवरेज आएगा, एवरेज को मीन भी कहते हैं, 8 + 11 + 13, लेकिन इसको 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, जो भी बोल रहा है कीप क्वाइट, इसे 4 से डिवाइड, क्योंकि बेचारा एक गेम खेला ही नहीं है तो उसका एवरेज थोड़ा खराब करना है। अब मान लो किसी प्लेयर ने अपने, अभी उसको बहुत टाइम से खेल रहा है, विराट कोहली बहुत टाइम से खेल रहे हैं, तो उसका जो गेम होगा 300 गेम होगा, तो 300 गेम से डिवाइड होगा उसके टोटल रन का सम। लेकिन कोई नया प्लेयर आया है तो उसके, उसने जितने गेम खेले हैं उसी से तो उसको डिवाइड करेंगे, और वो खेला ही नहीं है तो वो उसका एवरेज थोड़ा काउंट होगा, तो 3 से डिवाइड होना चाहिए। हाँ खेलता और 0 आ जाते तो वो फिर 4 से डिवाइड होता, जैसे कि बी में हुआ है, बी में उसने पहले गेम में 0 पॉइंट कलेक्ट किए हैं, खेला तो है, 0 पॉइंट आया तो वो काउंट होगा, 4 ही गेम माने जाएंगे उसके। तो ये आपका 13, 11, 24 और 8, 32 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका एवरेज 3 1 3 0 3 6 18, ऐसे करके 6 6 6 आता ही रहेगा, तो 6 7 भी कर सकते हैं राउंड ऑफ में, 10.67। अब क्वेश्चन आप देखते हैं, हमने एवरेज सबके निकाल लिए है, अब देखना क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा इसके जो पार्ट्स है। फाइंड द मीन टू डिटरमिन एज एवरेज, ए का एवरेज क्या है, 12.5 निकाल चुके हैं, है ना। और टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट बाय 3 और 4, 3 से डिवाइड करेंगे या 4 से, 3 से, क्यों, क्योंकि ही प्लेड ओनली 3 गेम, अगर वो फोर्थ गेम खेलता तो उसका 4 से डिवाइड करते हैं, वो 3 ही गेम खेला है तो 3 से डिवाइड होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, बी प्लेड इन ऑल 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन, वही है सबको प्लस करके उसके सारे चारों पॉइंट, हमने पीछे किया भी है, चारों गेम के प्लस करके 4 से डिवाइड कर देंगे, 5.5 इसका एवरेज आ रहा है पॉइंट कलेक्शन का, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसमें हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, तो बेस्ट परफॉर्मर जिसका एवरेज अच्छा होगा वो बेस्ट परफॉर्मर होगा, तो यहां पर ए का एवरेज है 12.5 और सी का एवरेज है 10.66, बी का एवरेज है 5.5, तो बेस्ट परफॉर्मर ए है जिसका एवरेज अच्छा होगा वो बेस्ट परफॉर्मर माना जाएगा। तो इसके सारे क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिए है ना, एक ही सीट में जल्दी सबकी मीन निकाल लिए, फिर यहां डिस्कस कर लिए। अब द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन क्लास साइंस टेस्ट आर दिस, 100 में से जो मार्क्स आए हैं बच्चों के वो यहां लिखे हुए हैं, तो हमें यहां बताना है हाइएस्ट एंड लोवेस्ट स्कोर मार्क्ड बाय द स्टूडेंट, हाइएस्ट स्कोर क्या है और लोएस्ट, हाइएस्ट 95 दिख रहा है ना, ये रहा हाईएस्ट, और लोवेस्ट 39 है, तो हाईएस्ट स्कोर जो है 95 और लोवेस्ट स्कोर 39, रेंज माइनस करके आएगा 95 - 39, 15 में से 9 गया 6, 8 में से 3 गया 5, यानी 56 इसका रेंज है इस डेटा का। और मीन मार्क्स, अब मीन निकाला है तो वही करना पड़ेगा, आपको सबको प्लस करना होगा, 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 और 75, सबको प्लस कर दो, 6 और 5 11 और 5 16 और 9 25 और 8 33 और 6 39 और 5 44, 45,
44 पे 1 प्लस के 45 और 5, 50 का 0, 5 कैरी ओवर, 5 8 13, 13 और 7 20, 29 और 8 37, 40, 44, 49, 49 और 9 58 और 58 और 8 66, 66 और 7 73, 7 एंड 30 और कितना है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जो मीन आएगा 730/10, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, 73 ठीक ठाक स्कोर है, 73 का एवरेज आ रहा है इस क्लास का, ठीक है। अब मीन तो पक्का हो ही गया होगा, मीन में भी कोई डाउट है क्या? हमारे पास सेवंथ क्वेश्चन है, यहां पर द एनरोलमेंट इन ए स्कूल ड्यूरिंग 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स वाज एज फॉलोज, यानी किसी स्कूल में लगातार 6 सालों में जो एडमिशन हुए हैं, एनरोलमेंट हुए हैं बच्चों के, उसका यहाँ पर डेटा हमारे पास है, और फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड, यानी इन 6 सालों का मीन एनरोलमेंट क्या है, एवरेज क्या है। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला वही है, सबको प्लस करके और 6 से डिवाइड करना होगा। एवरेज मीन का एक ही मतलब होता है, मीन इज इक्वल टू 1555 प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस 2013 प्लस 2540 प्लस 2820 इज डिवाइडेड बाय 6, 1 2 3 4 5 6, ये है, इन सबको प्लस करना है। कैसे करेंगे देखो, 0 0 3, अभी 3 रहेगा 3 और 5 8, कोई कैरी ओवर नहीं। अब टेंस वाले डिजिट को सबको प्लस कर लो, 2 4 6 और 1 7 और 5 12 और 7 19 और 5 24 का 4 और 2 कैरी ओवर यहाँ नीचे लिख दो। अब 2 कैरी ओवर को स्टार्टिंग में ऐड कर दो 100 वाले डिजिट में, 10 हो गया ये 2 कैरी ओवर ऐड करके, 10 5 15 और 0 ऐड करेंगे तो 15 ही रहेगा, 7 22 और 6 28 और 5 33, 33 का यहाँ 3 आएगा और 3 कैरी ओवर रहेगा। अब 3 वाले को 1000 वाले में ऐड कर दो, 5 2 7 और 2 9 1 10 1 11 1 12, अब पूरा टूरा टा लिख दो और डिवाइडेड बाय 6। इस तरह से भी आप कॉलम में लिख के पूरा ऐड कर सकते हो, तो आपकी इच्छा है कैसे आप ऐड करना चाहते हो, ठीक है। आप डिवाइड करते हैं, 6 2 6 से डिवाइड कर दो, आप डायरेक्ट डिवाइड करो या आप लॉन्ग डिवीजन करो, ये आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है। 6 2 12 और फिर बचा 3, 3 तो 6 से डिवाइड होगा नहीं, 4 भी लेना पड़ेगा, एक साथ दो नंबर लेंगे तो एक जीरो लगाएंगे, 6 5 30, 4 बचा 6 8 48, यानी 2058 एनरोलमेंट एवरेज एनरोलमेंट है या मीन एनरोलमेंट है। 8th, द रेनफॉल इन मिलीमीटर इन ए सिटी ऑन 7 डेज ऑफ सर्टेन वीक वॉज रिकॉर्डेड एज फॉलोज, यानी मंडे से लेकर सैटरडे तक का रेनफॉल का डेटा आपके सामने टेबल में दिया हुआ है। फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबाउट डेटा, रेंज को मैंने आपको समझाया है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू का डिफरेंस जो आएगा, हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू का डिफरेंस आएगा उसे रेंज कहते हैं। तो रेंज जो आएगा इस क्वेश्चन में, हाईएस्ट बारिश जो रेन हुई है 220.5 mm और सबसे कम 0 हुई है, तो 0 माइनस करने में क्या आ जाता है, वही रहेगा रेंज 220.5 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक, मीन निकालने के लिए मीन निकालना ही पड़ेगा, वही सभी डेटा को प्लस करके और जितने डेज बन रहे हैं 7 डेज बन रहे हैं 7 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो आप 7 डेज नहीं 6 डेज है, क्योंकि संडे इसमें नहीं आया हुआ, नहीं संडे आया है, हाँ तो 7 डेज है। तो आप मीन रेनफॉल, मीन रेनफॉल सबको सम कर लेते हैं, इधर ही टेबल में ही कर लेते हैं, 0 2 और 1 3 और 5 8 और 5 13, 13 का 3, 1 कैरी ओवर, ठीक है। इस 1 को यहाँ पे वंस के प्लेस पे
वन और टू थ्री और टू फाइव और ये जीरो फाइव ही रहेगा, फाइव फाइव टेन और वन इलेवन का वन आएगा और वन कैरी ओवर में रहेगा, वन वन टू और टू फोर, फोर्टी वन पॉइंट थ्री टोटल प्लस करके आ रहा है 41.3। और इसमें हम डिवाइड करेंगे सेवन से क्योंकि सेवन डेज है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। अब डिवाइड कर दें, सेवन से डिवाइड करेंगे तो सेवन फाइव जो 35 और बचा कितना 35 अगर माइनस हो जाएगा तो सिक्स और सेवन आ जाए 63, एक डिजिट डेसिमल लगा देंगे। 5.9 mm रेनफॉल है, एवरेज है इस वीक का। थर्ड पार्ट, ऑन हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल, कितने दिन बारिश मीन रेनफॉल से कम हुई है। मीन रेनफॉल आपका 5.9 है तो 5.9 से कम कितने दिन हुई है, एक दो तीन चार पाँच, फाइव डेज ऐसे हैं जब बारिश जो हुई है रेनफॉल जो हुई है मीन रेनफॉल से कम हुई है, तो इसका आंसर फाइव डेज। ठीक है, अब नाइन्थ क्वेश्चन पे, हाइट ऑफ द 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड रिजल्ट आर एज फॉलो, ये 10 बच्चों 10 गर्ल्स की हाइट है। अब आपको बताना है व्हाट इज द हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल, टॉलेस्ट गर्ल 151 है, 151 सेंटीमीटर। व्हाट इज द हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट गर्ल, 128 सेंटीमीटर। रेंज माइनस करना पड़ेगा, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो 11 माइनस 8 3, 4 माइनस 2 2, 23 सेंटीमीटर। रेंज को सेंटीमीटर में नहीं बोलेंगे, 23 है रेंज इसका। और व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल, सबको प्लस करके और 10 से डिवाइड करना होगा, तो मीन हाइट ऐसे करते हैं, इसको लिखने में जो टाइम खर्च करेंगे डायरेक्ट प्लस कर लेते हैं, और वही रो में भी प्लस करने की सीध आदत डाल लो। सारे वंस वालों को प्लस करके लिख दो जो उसका कैरी ओवर है उसे लिख दो, फिर टेंस वालों को प्लस करके उसका जो आंसर यहाँ लिख दो कैरी ओवर को आगे 100 वाले में कर लो। ठीक है, तो वंस करते हैं पहले। ऐसा करने के लिए आप पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हो, उसे कट करते रहे हुए अपनी बुक में नोटबुक में। वन और वन थ्री फोर और नाइन थर्टीन और सिक्स नाइनटीन और टू 21 और 1 22 और 8 30 और 39 और 44 44 का 4 यहाँ लिख दो वंस की जगह पर और 4 कैरी ओवर है यहाँ पे, वैसे नोट कर लो लेकिन यहाँ प्लस कर दो। 448 412 416 420 23 28 30 33 38 41 का 1 यहाँ लिख दो, फिर से 4 कैरी ओवर, 4 को इसमें ऐड कर दो 5 हो गया, 5 16 17 18 9 10 11 12 13 पूरा लिख दो यहाँ पे। हाँ तो 14 हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन, ये तो मैं जानबूझ के कर रहा था चेक करने के लिए कितने बच्चे ध्यान से देख रहे हैं। तो 1414 है ना, 14 हो गया ना 13 की जगह, और 10 से डिवाइड कर दो तो 141.4 ये आ गया मीन हाइट। फिफ्थ पार्ट की, हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन मीन हाइट, कितनी गर्ल्स की हाइट मीन हाइट से ज़्यादा है, यानी 141.4 से ज़्यादा है, कितनी गर्ल्स की। अभी पहले ये रेड डिस हो रखा है, इसे हटाओ। तो 141.4 से ज़्यादा, एक दो तीन चार पाँच, पांच गर्ल्स हैं जिनकी हाइट मीन हाइट से ज़्यादा है। ठीक है भाई, नेक्स्ट। अब हमारे पास 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्कोर्स इन मैथमेटिक्स आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट्स एज फॉलोज,
यानी 15 बच्चों का मैथमेटिक्स में जो मार्क्स आए हैं 25 में से वो कुछ इस तरह से दिए हुए हैं, 15 बच्चों का। अब आपको फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा। मोड और मीडियन, देखो अभी तक आपने मीन सीख लिया, अच्छे से पक्के हो गए। मीन कैसे निकालते हैं, आपने देखा कि जो डेटा दिया हो सबको प्लस कर दो और नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड कर दो। इधर ध्यान, इधर सुनने के साथ साथ आई कांटेक्ट भी बना के रखो टीचर्स के साथ। तो आपको क्या करना है, मीन में क्लियर है, सभी डेटा को प्लस करके जितने नंबर ऑफ डेटा हो उसे डिवाइड कर दो, उसे मीन आ जाता है, उसे को एवरेज भी कहते हैं। अब नया दो और, मोड और मीडियन। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, जो ज्यादा बार आता है वो मोड होता है और जो बिल्कुल बीच में आता है वो मीडियन होता है। लेकिन मीडियन निकालने के लिए आपको डेटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है, किसी एक ऑर्डर में लिखना पड़ेगा आपको। तो आप करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा वैल्यू 5, 5, देन उससे बड़ा 9, 10, 12, 15, 16, 19। ये भी देखना पड़ता है ना कि अगर ज्यादा बार है 20 तो सबको काट के और उतनी बार लिख दो, 4 बार, 1, 2, 3, 4, सारे चारों लिखने पड़ेंगे, ऐसे नहीं एक लिख दिया और काम चल जाएगा उससे। उसके बाद तो अब ये ना सारे कट भी गए, इससे पेंसिल से आप कट कर सकते हो, तो जिससे आपका ओवर रिपीट या कुछ छूटेगा नहीं। अब असेंडिंग ऑर्डर हो चुका है तो मोड, क्योंकि 21, 2, 3, 4, 4 तो सबसे ज्यादा 20 आ रहा है तो मोड हो गया 20। और मीडियन के लिए हमें जो डेटा है असेंडिंग ऑर्डर में इसके बीच वाले वैल्यू, मैं आपको बता रहा था कॉन्सेप्ट में कि अगर ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड नंबर में होगा, 15 नंबर है ना इसमें, 15 बच्चों के नंबर आए हैं, तो मीडियन एक ही आएगा, बीच में एक ही वैल्यू आएगी। अगर ये इवन होता तो बीच में लेफ्ट से अलग गिनते राइट से अलग गिनते दो वैल्यू आ जाती, ठीक है। तो यहाँ पर बीच वाले 15 का जो बीच वाला नंबर है वो 8th है ना, क्योंकि इधर 7 छोड़ दो, इधर 7 छोड़ दो, बीच में 8वां नंबर आता है। तो देखो आपको अगर गिन के करना है तो गिन के कर लो, या आप ऐसे करो जैसे ऑड नंबर आता है तो उसमें 1 ऐड करके और 2 से डिवाइड कर दो, 8th ऑब्जर्वेशन, 8th ऑब्जर्वेशन। अब 8th ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इधर से भी देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी मीडियन भी 20 है। समटाइम्स दोनों सेम भी आ सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अलग अलग भी आ सकते हैं और डिपेंड करता है वैल्यू पर, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना बच्चों आपको जैसे मीडियन यानी बीच वाले वैल्यू एक तो गिन के निकाल सकते हो, या फिर आपके पास है कि आपके जो ऑब्जर्वेशन थे ऑड नंबर था, 15 डेटा है ये टोटल, तो इसका मतलब है कि उसमें एक 1 ऐड कर दो 16 और 2 से डिवाइड कर दो, तो 16 को 2 से 8th, यानी 8th ऑब्जर्वेशन जो होगा वो मीडियन आ जाएगा। लेकिन अगर इवन नंबर हो, अगर इवन नंबर होगा तब क्या करेंगे, मान लो 16 डेटा होते तो पहले 16 का हाफ करो 8 और उसमें एक और ऐड कर दो 9, यानी 8th और 9th डेटा को प्लस करके फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे। मान लो पूरा डेटा आपके पास 16 होते, इवन नंबर में होंगे, तो 16 का हाफ कितना होता है 8 और उसका अगला वाला 9, तो 8 और 9 नंबर पे जो डेटा होगा उनको प्लस करके और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इनका एवरेज निकालना पड़ेगा, तब मीडियन आएगा। अभी कोई क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे। देखो यहाँ भी ऑड नंबर में ही है, लेकिन यहाँ पे तीनों चीजें फाइंड करनी है, मीन जी, हाँ इसमें आर द सेम, यस दे आर सेम, वो डिस्कस कर लिया हमने,
द रन स्कोर्ड इन ए क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स एज फॉलोज। 11 प्लेयर जो क्रिकेट मैच में रन स्कोर करते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। फाइंड द मीन मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा। देखो मीन के लिए आपको पता ही है, मोड भी आपको, पहले असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं डेटा को, उसके बाद करेंगे तीनों चीजें। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 6 है ना, वन टू बार, वन टू थ्री, फिफ्टी, फिर 80, 100, फिर 120। हो गए सारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 काउंटिंग करके भी हम कंफर्म कर सकते हैं कुछ छूटे या एक्स्ट्रा तो नहीं हुए। अब 11 है, अब हम मीन निकालेंगे तो वो तो आपको पता है, सबको प्लस करके 11 से डिवाइड करना पड़ेगा, बट इसका वो आसानी से निकल जाएगा मोड और मीडियन। तो मोड तो ज्यादा बार 15 आ रहा है, तो मोड तो 15 हो गया, और मीडियन क्योंकि 11 ऑब्जर्वेशन है तो 11 में 1 प्लस करो 12, 12 का हाफ करो 6, 6 तो ऑब्जर्वेशन मीडियन होगा, मीडियन 6 ऑब्जर्वेशन होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 15 है, यहां भी दोनों सेम है। अब मीन निकालते हैं सबको प्लस करके, तो ये थोड़ा मुझे लग रहा है आसानी से प्लस हो जाएगा, वो इवन ऑड करना नहीं पड़ेगा, मतलब सारे डिजिट का 120 और 100, 220 और 380, 300 हो गया, 350 हो गया, इतना तो 350 कर लो, बाकी छोटे छोटे को चिल्लर पार्टी को गिन लो अलग, 8, 14, 6, 14 और ये आपका 20 ऐड कर दो 34 और ये 15 ऐड कर दो 49 और ये 30 ऐड कर दो 49 और 30 79 12 का 2 1 क्या रिवर 429 429 इज डिवाइडेड बाय 11 तो 11 3 जा 33 और 9 बचा तो 19 11 आ जा 99 तो मीन जो आया वो 39 आया ठीक है तो देखो मीन अलग आया मीडियन और मोड अलग आए अब इस क्वेश्चन में तो तीनों चीजें रिवाइज हो गई आपकी मीन मीडियन मोड ठीक है चले आगे द वेट ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर दिस फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा इज देयर मोर देन वन मोड देखो अब फिर से असेंडिंग ऑर्डर तो करना ही पड़ेगा उसी के बाद हम मीडियन फाइंड करेंगे सबसे छोटी वैल्यू 35 है हाँ 32 है 32 फिर 35 एक ही बार है ना 36 एक मिनट आप लोग प्लीज बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं ये नहीं चलेगा एक्साइटमेंट में शोर कर ले जाते हैं 37 फिर 38 एक दो तीन फिर बचता है 40 और 39 तो कोई है नहीं 40 एक फिर 42 एक फिर 43 एक दो तीन देन 45 एक बार है 50 एक बार है 47 बीच में छूट रहा है ना देन 50 अब चेक कर लेते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ठीक है अब हम इसमें आसानी से फाइंड कर लेंगे मोड और मीडियन मोड ज्यादा बार यानी आपके दो मोड हैं 38 और 43 क्यों 38 भी 3 टाइम्स आ रहा है और 43 भी 3 टाइम्स है
तो किसी डेटा में दो दो मोड भी हो सकते हैं, मोड 38 एंड 43। मीडियन के लिए इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 15 है, तो उसमें एक वन ऐड कर दो, 16 का हाफ कर दो, 8, एट्थ ऑब्जर्वेशन देख लो। या एक तरीका और है गिनकर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों तरफ से बीच में आ रहा है, उसी को मीडियन कहते हैं। तो मीडियन 40 हो गया। इज देयर मोर देन वन मोड? यस, दो मोड है, 38 एंड 40। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा। चलिए अब तो सब आसानी हो गया आपके लिए, असेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं पहले, क्योंकि मीडियन निकालना है ना, इसलिए सबसे छोटी वैल्यू 12, फिर 13 एक दो बार। भाई क्वेश्चन चेक लेना, क्वेश्चन मिस प्रिंट तो नहीं है, क्वेश्चन भी चेक करते रहना। 16 19, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब मोड आपके पास 14 है, क्योंकि 14 सबसे ज्यादा बार है, वही मोड होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। और मीडियन क्योंकि 9 है डेटा, 9 में 1 प्लस करो, 9 ऑड नंबर है तो उसमें 1 प्लस करो 10, उसका हाफ करो 5, तो यानी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन जो भी होगा वो मीडियन होगा, फिफ्थ डेटा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बीच में जो आएगा दोनों तरफ से वही होगा मीडियन। ये क्वेश्चन भी हो गया बच्चों। टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, यानी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये डिस्कस करना है, देखते हैं। द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डेटा, हाँ ये तो ठीक है, मोड तो हमेशा डेटा से ही आता है तो ये ट्रू है। द मीन इज वन ऑफ द नंबर, नहीं, मीन्स कभी डेटा से आ भी सकता है, ये बाई चांस की बात है, पर ये हर बार की उसी से आएगा डेटा से ये जरूरी नहीं है, क्योंकि प्लस करके डिवाइड करना पड़ता है ना, तो डेटा चेंज हो सकता है मीन का, तो ये फॉल्स है, मीन इज वन ऑफ द नंबर डेटा फॉल्स। या आप यहाँ कह सकते हो समटाइम इज कैन इट कैन बी, वैसे ये फॉल्स है, हमेशा नहीं हो सकता बट समटाइम इज कैन बी, है ना। द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डेटा, ये भी फॉल्स है, ना 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 फॉल्स है, क्यों मैं बता रहा हूँ आपको क्यों, भले ही कुछ भी लिखा हो अभी इस क्लास के हिसाब से तो कोई बात नहीं, अभी हमने जो किए सब में सेम आ रहा था, लेकिन अगर इवन नंबर में होते हैं, आपकी बात ठीक है, आपके पीछे आंसर में हो सकता है ट्रू दिया हो, बट जब इवन नंबर में डेटा होते हैं तो बीच में दो नंबर आते हैं, और वो दोनों नंबर जरूरी नहीं हो सेम हो, तो फिर एक अलग होगा, मान लो कि 10 डेटा थे, पाँचवें नंबर पे 38 है और सिक्स नंबर पे 40 है, तो जो मीडियन आता है उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करके आता है, तो मीडियन अलग भी हो सकता है डेटा से, तो पीछे दिया गया आंसर ना वो अभी स्टार्टिंग के लिए शायद बता दिया हो तो मैं कह नहीं सकता, वैसे वो गलत है, तो ये बात फॉल्स है। अब ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, इस डेटा का मीन 9 है, वो तो चेक करना पड़ेगा प्लस करके और डिवाइड करके, तो ये 23 और 12 और ये 25 हो गया, 9 9 18, 18 26, 26 और 29, 33 39, 1 4 1 कैरी और 3 6 और कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ रहा है भाई, 64 को अगर 8 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, और ये बता रहे 9, तो ये भी फॉल्स है। तो आप इस आंसर पे कंफ्यूज मत होना बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन पे वहां पे किस तरह से सही ट्रू दे दिया वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ ये सही है, क्योंकि ये तो आपके 9th क्लास में भी है, 10th क्लास में भी है ये सारे कॉन्सेप्ट। बच्चों अब हमारे पास में एक्सरसाइज 3.3 है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे बार ग्राफ दिया हुआ है एक फिगर 3.3 में, और आंसर करना है कुछ क्वेश्चन को, जैसे विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, सबसे ज्यादा पॉपुलर पेट कौन सा है ग्राफ को देख के, यहाँ डॉग,
कैट, रैबिट, हैमस्टर और अदर। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलर जिसका बार हाइट सबसे ज्यादा होगी, तो यहाँ कैट की हाइट सबसे ज्यादा है, तो कैट वाले बार की हाइट ज्यादा, सबसे ज्यादा पॉपुलर कैट हो गया, इसका आंसर कैट हो गया। क्योंकि डॉग 8 लोग पसंद कर रहे हैं, कैट 10, रैबिट 2, हैमस्टर आपका 4 और 6 के बीच में है ना, और अदर्स में आ रहे हैं 2 और 4 के बीच में है, तो 3। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज पेट, डॉग कितने बच्चों का पेट है, 8 है ना। तो ये बार को देखकर ही आंसर देना बड़ा आसान है इसका। इसके बाद अब सेकंड क्वेश्चन में भी बार ग्राफ ही देखकर आंसर देना है। फिगर 3.4 है विच शोज द नंबर ऑफ बुक सोल्ड बाय ए बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स एंड आंसर द फॉलोइंग, यानी किसी बुक स्टोर ने 5 सालों में जो बुक उन्होंने सेल की है उसका ये बार ग्राफ है। जैसे यहाँ पे 1989 का दिया हुआ है, 200 से कम है, लेस देन 200 है, हम 180 के अराउंड मान सकते हैं, 1989 में लगभग 180 के अराउंड, 175 या 180, क्योंकि सारे आंसर अप्रॉक्स में रहेंगे। 1990 में जो देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ तो आपके 180 आ रहे हैं, 1990 में ये 475 के आसपास, 480-475, क्योंकि 500 से थोड़ा सा कम है। 1991 में 300 के अराउंड है, 1992 में 300 से थोड़ा सा कम, यानी 280 कह सकते हो, 1993 में 600 है, ठीक है। ये अप्रोक्स आंसर है, मतलब अप्रोक्स एस्टिमेशन है। अब हम चेक कर लेते हैं इसमें क्या है क्वेश्चन, वो देखते हैं। अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, बता दिया 180, अबाउट है ना लगभग, इसलिए 180, 1989 का 180, 1990 में 475 अबाउट, 1992 में 280 अबाउट, 280 इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक सोल्ड, तो 1990 है वो, अबाउट 250 बुक सोल्ड, 225 से के लगभग किसमें आप 1992 बोल सकते हो, क्योंकि 280 हम उसे अप्रोक्स मान के चल रहे हैं, तो यही सबसे नजदीक है, उसे नजदीक तो कोई है नहीं 225 के नजदीक, तो ये 1992 हो गया, कुछ ज्यादा ही कम नहीं हो गया बार, इसका मतलब हम लोग गलत देख पा रहे हैं क्या, हो सकता है प्रिंटिंग एरर हो। खैर, इन विच ईयर वर द फ्यूअर देन 250 बुक सोल्ड, किस साल में 250 से कम, एक मिनट, गलत, इसका आंसर 1989 भी तो हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे 225 की बात कर रहे हैं, तो 180 है, तो 180 225 के ज्यादा क्लोज है, तो ये 1990 तो कुछ ज्यादा दूर है। देखो 180 में अगर 45 ऐड करोगे तो 225 हो जाएगा, और 280 में 225 माइनस करोगे तो ये डिफरेंस 45 का है, और सर ये 55 का, ये ज़्यादा डिफरेंस है ना, तो हम इसको ना 1992 ना लेके ये ले लेते हैं 1989, 225 के आसपास जो बुक्स सेल हो रही है, तो 1989 बोल देते हैं इसको। लेकिन इस आंसर में ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, इस क्वेश्चन में लगभग आंसर है, ग्राफ का भी कुछ एरर मुझे लगता है इसमें, एग्जैक्ट नहीं दे रखा है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में बच्चों को देखने में दिक्कत आती है, तो हम अबाउट इसमें हम 1989 मान लेते हैं। इन विच ईयर वर द फ्यूअर देन 250 बुक्स, वो भी यही है, 250 से कम 1989 में ही है। हाउ कैन यू एक्सप्लेन, हाउ वुड यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989 में कितनी बुक सेल हुई है, इसको कैसे आप एस्टिमेट करोगे, तो यहाँ पे एक यूनिट दे रखा है, 1 unit = 100 बुक्स है ना। अब एक यूनिट कितने का है वो हमें देख लें, एक यूनिट एक सेंटीमीटर के इक्वल है या कुछ और के इक्वल है, मान लीजिए अगर 1 centimeter के इक्वल है तो हम यहाँ चेक कर लेंगे कि इसकी हाइट 1989 वाले बार की हाइट कितनी है, 1.8 सेंटीमीटर है या कुछ और है, तो जैसे अगर 1.8 हुआ तो इसमें 100 से इंटू कर देंगे तो ये 180 हो गया मल्टीप्लाई करके, तो हम बार की हाइट को, पूरी हाइट जो है वो कैलकुलेट कर लें
और एक यूनिट का मतलब होता है 100 बुक्स, इसमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने भी यूनिट्स होंगे उसको 100 से मल्टीप्लाई करके, हम सब में ऐसा कर सकते हैं, 1989 में भी, 1990 में भी, सब में कर सकते हैं, बार की हाइट को कैलकुलेट करके और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। पर हमें ये मालूम होना चाहिए कि एक यूनिट किसको लिया है, एक सेंटीमीटर को लिया है, एक इंच को लिया है, एक मतलब 2 सेंटीमीटर का एक यूनिट लिया है, डिपेंड करता है कि वो जो बार बनाते हैं वो किस यूनिट को लेके बनाते हैं। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डेटा ऑन बार ग्राफ। बार ग्राफ देखो, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्केल को चूज करना, जो अभी हम बात कर रहे थे जी। यहाँ पे बच्चों का नंबर है, 5th क्लास में 135 बच्चे हैं, 6th में 120 बच्चे हैं, तो यहाँ हम किसको एक यूनिट माने, 10 को, 10-10 का यूनिट ले लें, हम एक यूनिट को 10 मान लें, तो ये ज्यादातर डिवाइड, केवल ये डिवाइड नहीं होगा लेकिन और ये ज्यादातर फिर 10 से डिवाइड हो रहे हैं। मतलब हमें देखना होता है कि जो यूनिट लें वो ज्यादातर को डिवाइड कर रहा हो, जिसको रिप्रेजेंट करना आसान हो। समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पहले बार ग्राफ बनाते हैं, खाली स्पेस है, यहाँ करते हैं। टेन, ट्वेंटी, थर्टी, फोर्टी, फिफ्टी, सिक्सटी, सेवेंटी, एटी, नाइन्टी, ट्वेंटी, ट्वेंटी, 91 10, माफ करिएगा, ऐसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, ये भी छोटा पड़ गया थोड़ा सा, क्योंकि 135 तो मैक्सिमम है। कोई नहीं, अब यही से हम नीचे ले आते, अब थोड़े से बड़ा कर देते हैं, और ये 140, ये हो गया आपका। अब हम ये जो वर्टिकल लाइन है इसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बार ग्राफ बनाना सिखा रहे हैं आपको। और यहाँ पे हमें क्लास दिखानी होगी, कौन सी क्लास के कितने बच्चे हैं, तो हमें बुक देना जरा, क्वेश्चन को हम देख लेते हैं ना, बार बार स्लाइड नहीं बदलनी पड़ेगी। दीजिएगा बुक, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, तो क्लास 5th में 135 बच्चे हैं बच्चों। तो क्लास 5th के लिए सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं 135 तक का बार, यानी स्केल से ड्रॉ करना है। देखो 130 ये है, 140 है, इसके बीच से, यहाँ से मतलब ऐसे स्केल से एक बार खींच देंगे, मतलब हर बार की बस थिकनेस बराबर लेना, जो भी लेना बराबर लेना। तो ये ग्राफ खींचोगे तो वहाँ तो ऑलरेडी होता है, लाइन खींची होती है ग्राफ पेपर पर, ये ग्राफ पेपर का काम है, प्लेन पेपर पर नहीं करना आपको, ग्राफ कॉपी पर करना है। तो ये क्लास 5th हो गया, 135 ये बार बना दिया। अब क्लास 6th में 120 है, 120 ये है आपका, क्लास 6th। फिर क्लास 7th में 95 है, 90 और 100 के बीच में, हाँ तो 90 और 100 के बीच में ही किया बेटा। क्लास 8th में 100 है, एक्चुअल हम प्लेन पेपर पे कर रहे हैं, मतलब प्लेन बोर्ड पे, आप ग्राफ कॉपी में करोगे तो वो 100 वाली लाइन आपको आती हुई दिखेगी, ग्राफ कॉपी में लाइन जो खींची होती है। क्लास 9th में 90 बच्चे हैं, क्लास 10th में 80 है,
ये था बार ग्राफ इस क्वेश्चन का, ये आपको बार ग्राफ आना चाहिए ड्रॉ। अब इनके क्वेश्चन का आंसर, यहाँ पहला प्रश्न यही है, हाउ वुड यू चूज अ स्केल, यानी इसमें यहाँ क्वेश्चन है हाउ वुड यू चूज अ स्केल, यानी जब हम बार ग्राफ बनाएंगे तो उसके लिए स्केल कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि हमें वो नंबर लेना पड़ता है जो इन सबको ज्यादातर को डिवाइड कर रहा हो प्रॉपर तरीके से। तो हाई मतलब ज्यादातर जैसे 10 से डिवाइड हो रहे हैं, जो नहीं भी हो रहे हैं उनको भी दिखाना आसान, जैसे 90 और 100 के बीच का नंबर है, 135, 130 और 140 के बीच का नंबर है, तो ग्राफ पे आराम से रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो हमें स्केल देखते समय हमें ये जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन थे इन्हें देखना था कि इसको हम 10-10 में डिवाइड करें, 20-20 में डिवाइड करें, 5-5 में डिवाइड करें, 5 में करते तो बहुत बड़ा हो जाता और ज्यादा हाइट जाती बार की, है ना, कर तो 20 में भी कर सकते हैं तो उसमें बीच में ज्यादा नंबर आते, तो 10 ज्यादा एप्रोप्रिएट था। ठीक है, सेकंड, इन विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड मिनिमम, किस क्लास में मैक्सिमम है, सबसे बड़ी हाइट तो क्लास 5th की है, तो क्लास 5th में सबसे ज्यादा बच्चे हैं और सबसे कम क्लास 10th में है, तो इसका आंसर आ गया आपके पास, विच क्लास हैज मैक्सिमम, क्लास 5th, क्लास 5th, एंड मिनिमम क्लास 10th। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th, तो क्लास 6 और क्लास 8th के बच्चों का रेशियो, तो आप इस स्टेटमेंट में ऐसे लिख देना, द रेशियो ऑफ स्टूडेंट क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th इज इक्वल टू, आंसर के लाइन में वो फाइंड और वो हट जाएगा। तो क्लास 6 में बच्चे कितने हैं, 120, और क्लास 8th में बच्चे कितने हैं, 100, है ना, 100 है ना। अब रेशियो निकालने के लिए 0 से 0, 2 6 जा और 2 5 जा, 6:5, ऊपर नीचे दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, पहले 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया, फिर दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो आप, अलग अलग नंबर से नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 कंप्लीट हुआ आई थिंक, क्यों बार ग्राफ भी बना लिया और उन प्रश्नों के आंसर भी दे दिए। नाउ वी हैव नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इन क्लास 1st टर्म एंड 2nd टर्म इज गिवन, है ना, टर्म 1 में और टर्म 2 में किसी बच्चे के जो परफॉर्मेंस है वो दिया हुआ है, इंग्लिश का, हिंदी का, मैथ्स का, साइंस का, सोशल साइंस का, चूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर, मतलब पहले तो डबल बार ग्राफ बनाना है एप्रोप्रिएट स्केल का इस्तेमाल करके। अब स्केल क्या होगा, यहाँ पर स्केल 10-10 का ही लेना पड़ेगा जी, 10, 20, 30, 40। अब आप कहोगे सर ये 7 और 72 ये सब कैसे आएगा, वो 0 से 10 के बीच में आ जाता है, जैसे 60 और 70 के बीच में आ जाएगा, क्योंकि ये काम तो आपको ग्राफ कॉपी पे करना है, प्लेन कॉपी पे करना होता तो अलग बात थी, फिर वहां पे हमें ड्रॉ, जैसे अभी मैं करूंगा तो ड्रॉ कर दूंगा। तो इसमें स्केल जो होगा 10 का लेंगे बच्चों वाई एक्सिस पे वर्टिकल लाइन पर, और इधर हम दिखा देंगे सब्जेक्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन पे सब्जेक्ट दिखा देंगे, और दो दो बार बनेंगे एक साथ, डबल बार ग्राफ बनेगा, एक ही सब्जेक्ट के दो नंबर है ना, टर्म 1 और टर्म 2। तो चलिए अगर आगे स्लेट खाली तो यहाँ नहीं तो वहां भी कर सकते हैं, चलिए यहीं कर देते हैं, सामने सामने ना बार बार देखना नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं है इसलिए छोटा करके सॉल्व करते हैं। देखो बेटा हम इसे ऐसे लमसम कर देते हैं, देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ठीक है, यहां लिख देंगे हम मार्क्स, आउट ऑफ 100, 100 में से। अब जैसे ये 10 है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। जैसे पहले सब्जेक्ट हम लेते हैं इंग्लिश, इंग्लिश में 67 और 70 है, टर्म 1 में 67 है,
तो 67 से थोड़ा नीचे ले लेंगे, मैंने कहा था ना लमसम कर लेंगे, वैसे दिखाना मेरे लिए क्राफ्ट नहीं है तो थोड़ा समझ। तो 67 ये हो गया टर्म वन का, और इसी के साथ डबल पैराग्राफ चिपका के होगा 70, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, ये एक सब्जेक्ट का हो गया इंग्लिश का। टर्म वन यहां लिखेंगे इंग्लिश, अभी टर्म वन और टर्म टू 67 और 70 ऐसे। क्या हुआ बेटा? हाँ टू ये रोमन में है ना, ये रोमन नंबर नहीं समझते। अब दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं हिंदी, 72 और 65। 65 हम 60 और 70, पहले 72 है, अच्छा पहले ज्यादा है, 70 से तो अलग अलग बनाइए, 70 से थोड़ा सा ऊपर। और फिर टर्म टू में कम हो गए, 65 हो गए, यानी 60 और 70 के बीच में से। ये आपका टर्म वन टर्म टू का हिंदी का हो गया, टर्म वन टर्म टू हिंदी। मैथ्स है उसके बाद, मैथ्स में 88 और 95, 88 90 से थोड़ा सा कम। और 95 यानी 90 और 100 के बीच में। तो ये आपका हो गया मैथ्स। यहां पे लिख देना होगा तो ज्यादा बेटर रहता है, 72 और 65, 88 और 95, टर्म वन और टर्म टू। मैथ्स के बाद साइंस, साइंस में 81 और 85, 81 80 से थोड़ा सा ऊपर। ओ सॉरी, इसे चिपका के नहीं बनाते, अलग बनाते। 81 85, और 85 थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, 85 90 के बीच में, 88 से थोड़ा सा नीचे। ये टर्म वन टर्म टू हो गया साइंस। और उसके बाद लास्ट सोशल स्टडी, सोशल साइंस 73 95, 73 यानी 70 से थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। और 75 तो थोड़ा सा ही हुआ इंप्रूवमेंट। और ये साइंस में क्या था, 81 85। सोशल साइंस, हाँ जी ठीक है। तो ये आपने इसमें एक काम और कर सकते हो, जैसे आपने वो अपने नोटबुक में ड्रॉ करना है तो इसमें अलग कलर मार्क कर दिया, इसमें अलग कलर मार्क कर दिया, टर्म वन को अलग जैसे ब्लू दिखा दिया, टर्म टू को और ब्लैक दिखा दिया, ऐसे करके भी कर सकते हैं तो ज्यादा वो विजिबल हो जाता है। ठीक है, अभी हमने बार ग्राफ बनाया और ये डबल बार ग्राफ है, एक ही सब्जेक्ट के टर्म वन टर्म टू, फिर टर्म वन टर्म टू, फिर टर्म वन टर्म टू, ऐसे करके अलग अलग है। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, लेट्स सी, ये तो हो गया। अब क्वेश्चन इसके आगे हैं, ये रहा, इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इंप्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट, किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट हुआ है। लेट्स सी, एक मिनट
देखो इंग्लिश में 3 नंबर का इम्प्रूवमेंट हुआ है ना, ध्यान देना, और हिंदी में खराब हुआ है, इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ और डाउनग्रेड हुआ है। मैथ्स में 8 नंबर का इम्प्रूवमेंट हुआ है, इसमें 4 नंबर का, इसमें 2 नंबर, तो सबसे अच्छा इम्प्रूवमेंट मैथ्स का ही है। हाँ 7 नंबर का, 7 नंबर का इम्प्रूवमेंट हुआ मैथ्स में, मतलब 88 और 795 होता है ना, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर सबसे अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है मैथ्स में। इन वी सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट लीस्ट, सबसे कम इम्प्रूवमेंट किस में हुआ है, लेट्स सी। यहाँ पर सब 3 का ये हुआ था, 2 ये वाला है सोशल साइंस, ना 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 2 नंबर का इम्प्रूवमेंट है, वहां पे 3 नंबर का है। सोशल साइंस में सबसे कम इम्प्रूवमेंट किया है। हाँ SST को ही सोशल साइंस कहते हैं मेरे भाई। एक ही बात है, सोशल स्टडीज सोशल साइंस एक ही बात है। हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस खराब भी हुई है? हिंदी में देखो बिल्डिंग नीचे आ गई है, ऊपर से 70 to 65 पे आ गई, तो इसका सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट, हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन सब्जेक्ट, यस इन हिंदी, ठीक है। तो ये आपका बार ग्राफ भी बन गया और इन सभी को प्रश्न क्वेश्चन के आंसर भी हम लोग दे लिए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। कंसीडर दिस डेटा एंड कलेक्टेड फ्रॉम ए सर्वे ऑफ द कॉलोनी, सर्वे कॉलोनी का करके डेटा कलेक्ट किया गया है, जिसमें हम फेवरेट स्पोर्ट्स के वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग पर डेटा है, कितने लोग देखना पसंद करते हैं और कितने लोग खेलना पसंद करते हैं पर्टिकुलर गेम को, जैसे क्रिकेट देखने वाले 1240 है और पार्टिसिपेट करने वाले 620 है। तो अब आपको इसका डबल बार ग्राफ बनाना है। ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एन एप्रोप्रिएट स्केल, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ। चलिए पहले डबल बार ग्राफ बनाते हैं बच्चों, यही बना लेते हैं, 5 ही गेम है, ज्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन छोटा करना पड़ेगा इस टेबल को। चलो ऐसा करते हैं, अगली स्लाइड पे बनाते हैं यहाँ पर, और बुक का इस्तेमाल कर लेते हैं फिगर देखने के लिए, वैल्यूज देखने के लिए। पहले हम वर्टिकल लाइन खींचेंगे और इसमें स्केल जो होगा ना बच्चों 100 का लेंगे, 100 100 करके लेंगे, एक यूनिट में 100% दिखाएंगे, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन को देखो ना, देखो 100 में होगा, 1240 तक जाना है, तो 100 200 300 400 और उसके बीच में सारे नंबर आते रहेंगे। ग्राफ में तो आराम से दिख जाते हैं, अभी प्लेन पेपर में तो हम अप्रोक्स करते हैं। तो स्केल में 1 यूनिट 100 के लिए होगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं बच्चों, ये 100 200 300 400 500 600 700 800 9 1000 1100 1200 1300। यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, और 1 यूनिट 100 के इक्वल है, 100%। आप देखो पहला जो गेम है क्रिकेट है, और इसमें वॉचिंग और पार्टिसिपेशन, तो वॉचिंग में 1240 है, तो 1200 और 1300 के बीच में आता 1250, उसके थोड़ा नीचे, यानी यहाँ तक हम ले सकते हैं। ये देखने वाले हैं पार्टिसिपेटिंग, और खेलने वाले यानी सॉरी वॉचिंग है, ये 1240 वॉचिंग है, और पार्टिसिपेटिंग 620 है, इसका हाफ 600 से थोड़ा सा ऊपर, ये आपके
पार्ट, यानी ये आपके वाचिंग हो गए, और ये पार्टिसिपेटिंग। और गेम का नाम है क्रिकेट। 1240 620, बिल्कुल हाफ हो गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों बास्केटबॉल, जिसमें 470 वॉचिंग है और पार्टिसिपेंट 320 है, तो 470 यानी 500 से थोड़ा सा नीचे। ये वॉचिंग के लिए हो गया और पार्टिसिपेंट 320 है, 300 से थोड़ा सा ऊपर। वॉचिंग के लिए मैं W लिख रहा हूँ, पार्टिसिपेट में P लिख रहा हूँ, और गेम का नाम बास्केटबॉल। नेक्स्ट स्विमिंग, 510 स्विमिंग के लिए, 510 500 से ऊपर। स्विमिंग देखने वाले और स्विमिंग करने वाले 320, सेम बास्केटबॉल जितने, यहां स्विमिंग लिख देंगे। ये वॉचिंग वाले हैं, ये पार्टिसिपेटिंग वाले हैं, 320 320, और इसमें कितना था, 510 नहीं 470 और 510। इसके बाद बच्चों बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी 430 400 से थोड़ा सा ऊपर। ये वॉचिंग हो गया 430, और 250 है इसके प्लेइंग वाले, 200 और 300 के बीच में। ये प्लेइंग वाले हो गए हॉकी। उसके बाद लास्ट है एथलेटिक्स में, 250 है वॉचिंग, यहां 250 लिख दो, और पार्टिसिपेटिंग 105। हॉकी नहीं, सॉरी एथलेटिक्स। ये है बच्चों, अब हम इन इसके जो क्वेश्चन है उसके आंसर देंगे इनको देखकर। तो इस तरह से डबल बार ग्राफ बनता है। एक गेम के लिए तो वो दो बार एक साथ चिपक के होंगे, फिर दूसरे गेम के लिए एक साथ चिपक कर रहे हैं। आप इसमें कलर का, अलग अलग कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं वॉचिंग, और शेड कर सकते हैं या लाइन खींच सकते हैं। और ये जो विड्थ होती है ना, कोशिश करना सबकी सेम रहे। हर बार ग्राफ की हाइट तो अलग अलग होगी, पर विड्थ सबकी सेम रहनी चाहिए। ये तो हमने अपने हाथ ऐसे लमसम बनाया आपके, आपको मेथड समझाने के लिए। और यहाँ नीचे लिख देना स्पोर्ट्स, अलग अलग स्पोर्ट्स की बात हो रही है। वहां पे आप लिख देंगे नंबर ऑफ पर्सन, यहाँ लिख देंगे यूनिट, एक यूनिट वाला 100 पर्सन। अब क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर? ऑब्वियसली क्रिकेट, सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी बिल्डिंग इसी की जा रही है, वॉचिंग में भी और प्लेइंग में भी, मतलब पार्टिसिपेटिंग में भी। विच इज द मोस्ट प्रेफर्ड, वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग? ज्यादा क्या पसंद होता है, वॉचिंग या पार्टिसिपेटिंग? वॉचिंग ज्यादा, हर जगह आप देखो ना वॉचिंग वाली बिल्डिंग बड़ी है, वॉचिंग वाली पार्टिसिपेटिंग वाली से बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है ना। लोग देखना ज्यादा पसंद करते हैं और खेलना कम पसंद करते हैं। नाउ वी हैव लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। देखो बच्चों क्वेश्चन 6 है, और ये ना टेबल हमें पीछे से लेना बुक से, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में था ये टेबल। यहाँ टेक डेटा गिविंग द मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटी इज गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। चैप्टर स्टार्टिंग में टेबल 3.3, मैं उसे यहाँ क्रॉप करके लेकर आया हूँ आपके लिए
क्वेश्चन में नहीं है, सामने टेबल बुक के स्टार्टिंग में। प्लॉट द डबल बार ग्राफ यूजिंग द डेटा एंड आंसर। अब डबल बार ग्राफ इसका भी बनाना है, बता तो मैंने आपको दिया ये कैसे बनता है डबल बार ग्राफ, उसी को यहाँ ड्रॉ करना है। और देखो यहाँ पे यूनिट क्या लेनी पड़ेगी, देखो मिनिमम टेम्परेचर जो है मैक्सिमम 38 है, 41 है, और मिनिमम आपके आपके लिए यहाँ पर 21 है, तो हमें 10 का ही लेना पड़ेगा, 10, 30, 40, 50, और बीच में 10-10 खाने होंगे, तो क्योंकि ग्राफ पेपर पे तो होते हैं 10 छोटे छोटे यूनिट्स, तो ग्राफ पेपर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, यहाँ हम लमसम करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका बार ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, डबल बार ग्राफ पहले। अब ये देख लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन से, सिटीज 10, 20, 30, 40 और 50, टेम्परेचर और सिटीज। अब जैसे पहली सिटी है यहाँ पर अहमदाबाद, और उसका 38 मैक्सिमम है और मिनिमम 29 है, 38 यानी 40 से कम, ये इसका मैक्सिमम हो गया, मिनिमम 29 है, 30 से थोड़ा सा कम, 38 और 29, तो 38 40 से कम हो गया, और ये 29 ये मैक्सिमम है पहला वाला और मिनिमम। सिटी का नाम है अहमदाबाद, अब दूसरी सिटी में अमृतसर 37 और 26, 37, 35 जैसे बीच में आएगा उससे थोड़ा ऊपर, मैक्स और मिनिमम। सिटी का नाम है अमृतसर, देन वी हैव बैंगलोर 28, 21, 28 30 से थोड़ा सा कम है, 26 से थोड़ा सा ज्यादा, 28 एंड 21, 20 से थोड़ा सा ज्यादा, 21, 28, बैंगलोर मैक्स और मिनिमम, यहां बैंगलोर लिख देंगे। देन वी हैव चेन्नई 36, 27, 36, 37 से थोड़ा सा कम कर देंगे, 36, 27, 28 से थोड़ा सा कम, 36, 27, ये मैक्स ये मिनिमम, और यहां पर ये चेन्नई है ना, स्पेस नहीं है तो मैं इधर लिख देता हूँ चेन्नई, नीचे स्पेस नहीं है। देन दिल्ली 38, 28, 38 ये 36 से थोड़ा सा ज्यादा, और 28, 27 से थोड़ा सा ज्यादा, 38 एंड 28, मैक्स एंड मिनिमम दिल्ली। जयपुर 39, 29, 39 इस 38 से थोड़ा सा ज्यादा, और 29, 28 से थोड़ा सा ज्यादा, जयपुर ये मैक्स ये मिनिमम। जम्मू 41, 26, 41 थोड़ा सा इससे ज्यादा, 49, 26
41 26 जम्मू, और मैक्स और मिनिमम लास्ट सिटी मुंबई 32 और 27। 32 या 29 से ज़्यादा कर दो। और 27 32 27 मैक्स और मिनिमम, और ये है आपका मुंबई। चलिए डबल पैराग्राफ तो बन गया। इसके बाद बच्चों अभी इसके कुछ क्वेश्चन है उसे अटेम्प्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है नेम टू, इससे पहले भी क्वेश्चन है, इसका मतलब यहाँ पर है क्वेश्चन, विच सिटी हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस इन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डेट। किस सिटी में ज़्यादा डिफरेंस है, हम बाहर से भी देख सकते हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर बार ग्राफ से देखेंगे तो हमें हाइट का डिफरेंस देखना पड़ेगा किस में ज़्यादा है। अहमदाबाद में, अहमदाबाद में कितना डिफरेंस है 9 का, किस में ज़्यादा डिफरेंस दिखा बिल्डिंग का डिफरेंस, इसमें जम्मू में, जम्मू की बिल्डिंग का डिफरेंस ज़्यादा है मैक्सिमम मिनिमम का। तो मैक्सिमम और टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर का डिफरेंस जम्मू में ज़्यादा है। ठीक है, पहले पार्ट का आंसर हो गया जम्मू। वैसे भी आप देख सकते हो ना, जम्मू में देखो 15 डिग्री का डिफरेंस है, इसमें 5 डिग्री का है, इसमें 10 का है, इसमें 10 का है, इसमें ये 9 का है, और इसमें 7 का डिफरेंस है, और यहाँ पर 11 का डिफरेंस है, यहाँ पर 9 का डिफरेंस है। तो सब जम्मू का ही डिफरेंस था मिनिमम मैक्सिमम का। इसका विच इज द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज द कोल्डेस्ट, सबसे ज्यादा गर्म, सबसे ज्यादा गर्म तो जम्मू ही है, जम्मू ही है 41, और कोल्डेस्ट सब बैंगलोर 28, जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर सबसे कम होगा वही तो सबसे ज्यादा ठंडा होगा, तो 28 बैंगलोर, हॉटेस्ट जम्मू और कोल्डेस्ट बैंगलोर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मतलब ये बात हम टेबल से भी देख सकते हैं, मतलब जो बार ग्राफ बनाया उससे भी देख सकते हैं। नेम द टू सिटीज वेयर द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वाज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अदर, मतलब दो शहर के नाम बताने हैं जिसमें एक शहर का मैक्सिमम दूसरे के मिनिमम से भी कम हो। मतलब यहां पे लिखा हुआ है नेम टू सिटीज वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वाज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अदर। तो देखते हैं यहां से ज्यादा, वो बार ग्राफ तो हमने मैक्सिमम बैंगलोर का और मिनिमम अहमदाबाद भी है, हाँ बहुत सारे दिख रहे हैं 29 वाले। देखो अहमदाबाद में भी 29 है, जयपुर में 29 है, तो यानी बेंगलोर का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो जयपुर अहमदाबाद के मिनिमम से भी कम है। देखो ना आप, देखो ये अहमदाबाद का मिनिमम 29 है, जयपुर का मिनिमम 29 है, इसके मिनिमम से भी कम है बेंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर। भाई बेंगलोर का मैक्सिमम 28 है और इन दोनों शहरों का मिनिमम 29 है, तो उससे कम हुआ ना। क्वेश्चन को ठीक से रीड करना पड़ेगा, मतलब किस शहर का मैक्सिमम टेम्परेचर किस शहर के मिनिमम से भी कम है, तो बेंगलोर का, बेंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर 28 है जो कि अहमदाबाद और जयपुर के मिनिमम टेम्परेचर से भी कम है, इसीलिए तो बेंगलोर ठंडा है, इसका कोल्डेस्ट इसलिए तो सेलेक्ट हुआ वो। एक और क्वेश्चन शायद इसमें एक या दो और है, नेम द सिटी विच हैज लीस्ट डिफरेंस इन मिनिमम एंड मैक्सिमम, यानी किस शहर में मिनिमम और मैक्सिमम का डिफरेंस सबसे कम है, हमने टेबल में फाइंड किया था और बार ग्राफ से भी देख सकते हैं। देखिए एक मिनट, टेबल में देखते हैं डिफरेंस जो हमने टेबल में निकाला था। सबसे कम डिफरेंस किसका है, मुंबई का है, मिनिमम और मैक्सिमम का डिफरेंस 5 डिग्री का है, उसके बाद बेंगलोर का है 7 का है। तो सबसे कम जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का डिफरेंस जिस शहर में है वो मुंबई है, यानी मुंबई में
दिन और रात के टेम्परेचर में ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा भाई। सुबह सुबह 4 बजे के आसपास सबसे ज्यादा कोल्ड होता है और दोपहर में 2 बजे के आसपास सबसे ज्यादा हॉट होता है, तो उसका डिफरेंस ज्यादा है नहीं, 5 डिग्री डिफरेंस है दोनों में। दिल्ली में तो बहुत होता है, सुबह सुबह टेम्परेचर 20 के आसपास होता है जब बहुत गर्मियां पड़ रही होती हैं मई जून में, और दोपहर में 40 के आसपास चला जाता है ना, दिल्ली में ऐसे तो होता है ना। तो यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, यहाँ जहां पर मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होता है इसका मतलब वहां ठंडी भी ज्यादा पड़ती है और गर्मी ज्यादा पड़ती है, ठीक है। तो ये आपका सभी प्रश्न, सभी क्वेश्चंस के आंसर हमने अटेम्प्ट कर लिए हैं। इस तरह से आपका ये एक शानदार चैप्टर कंप्लीट होता है। हैव ए हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में।